आप प्रोबेशन ऑफिसर हैं, जी सर। तो आप थ्रू आउट वर्दी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वर्दी में रहते हैं। वर्दी कब उतारते हैं? रात को सोते समय? नहीं सर, आवश्यकता पड़ती है तो उतारता कब हूँ, आवश्यकता पड़ती है? कि बच्चों से पूछताछ करते हैं ना, हाँ, बच्चों से पूछताछ करते हैं बच्चों से पूछताछ करते हैं। कब करते हैं पूछताछ? तो किसी केस में आवश्यकता पड़ती है सर, किसी केस में जब आवश्यकता रहती है जब करते हैं। दो लोग हैं एक साथ, आप एक्चुअली दोनों मैडम इसमें ये हुआ था कि रिपोर्ट प्रिपेयर आपने की, लेकिन आपको कोई अर्जेंट वर्क से जाना पड़ा तो सिग्नेचर आपके। इतना भयानक काम रहता आप लोगों के पास क्या कि सिग्नेचर करने के लिए टाइम नहीं रहता? रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की और दस्तखत दूसरा आदमी करे तो उसका क्या औचित्य है? क्या मतलब? या तो फर्जी रिपोर्ट है इसलिए आपने साइन नहीं किए। भाई साइन करना तो एक छोटा सा काम है, 1 सेकंड लगता है, साइन आपने क्यों नहीं किए थे? अर्जेंट काम आ गया आपको तो साइन करने में दिक्कत आ रही थी क्या? नहीं सर, वो तो रिपोर्ट जब बस फर्जी बनाते हैं तो साइन करने के पहले 5 बार सोचना पड़ता है। अगर रिपोर्ट करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है है, तो आपने साइन क्यों नहीं किए? फिर इनने साइन क्यों किए? आपके पास उस फील्ड का अनुभव कम था क्या? आवाज आ रही मेरी? साइन किए या वो लिख नहीं पाते हैं? नहीं नहीं सर, देख पाते हैं आप लिख नहीं पाते हैं क्या? चले तो इनकी मदद क्यों लेते हैं? गए थे काम से। ऐसा कैसे हो जाता है? हम भी ऐसे क्या करेंगे, जजमेंट लिखवा दिया और दस्तखत नहीं करेंगे, चले जाया करेंगे, काम चलेगा क्या? तो आप दोनों खिलाफ एक्शन के लिए लिख दें? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, आगे के लिए नहीं, आज ही के लिए हमको चाहिए जवाब। आज वो बच्चा बंद है, उसके हमको प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट चाहिए जी थी। सर, एक तो आप यूनिफॉर्म में आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट, हमको मालूम नहीं कि जब आपने एज प्रोबेशन ऑफिसर काम किया तब भी आप वर्दी में थे कि साधारण यूनिफॉर्म में, साधारण ड्रेस में थे। उसके बाद आपने साइन किया, उसके नीचे नाम नहीं लिखा है। सिग्नेचर से हम नाम नहीं निकाल पाते हैं, नाम क्यों नहीं लिखते हैं सिग्नेचर के नीचे? आ जाइए इस वाले माइक में। कब से इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं? क्या डेजिग्नेशन है आपका? आराम से बोलिए, हम नुकसान नहीं करेंगे, पर हमको चाहिए कि रिपोर्ट सही आना चाहिए। आप क्या सिग्नेचर डेजिग्नेशन क्या है आपका? आर सेकंड के पास हूँ सर, हाँ, डेजिग्नेटर इस पद पर है। पद सब नाम क्या इंस्पेक्टर, है? सब इंस्पेक्टर, सब मोहन सिंह यादव नाम है सबके, पद नाम क्या है? पद नाम सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सर सब इंस्पेक्टर, और क्या है? मोहन सिंह यादव नाम है सबके। मोहन सिंह यादव, बस जी सर, नाम नोट करिए। और पद बताइए ना जिस पद पे आप काम कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सर। सिर्फ सब इंस्पेक्टर हैं? हाँ सर, और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर हैं। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है आपको? इस पे दस्तखत किए ना आपने और आपने रिपोर्ट बनाई। आप दोनों ने ये पूरा प्रोफार्मा पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था आपने? जी सर, दिया था, तो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते होंगे आप। राइट का चिन्ह जब लगाने का होता है ना ऑप्शन ऑप्शंस में से, तो टिक कहाँ करते हैं, उस क्वेश्चन के पहले कि क्वेश्चन के बाद में? सर या तो कॉलम रहता है तो उसके स्क्वायर के अंदर करते हैं वेरी गुड। और अगर कॉलम नहीं दिया है तो? सर, जो स्टार्टिंग रहती है उसके ठीक ऊपर करते हैं। ठीक ऊपर। पर जी सर, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि इस डिब्बे का इस डिब्बे में दस्तखत कर दिया, इस नहीं डिब्बे का नहीं इस डिब्बे में राइट कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना? नहीं जी सर, सर कहाँ तक पढ़ाई की आपने? BA। बीए किया जी है, सर, तो मेहनत से पास हुए थे पक्का? ये देखिए आपने जो सर रिपोर्ट वो बनाई इसमें तो हम समझ नहीं पा रहे आपने टिक किस में किया है, कॉपी लगी होगी उसमें। टिक इसमें किया, टीवी देखना, अंतरंग खेल, पुस्तकें पढ़ना, ये राइट है तो सर। इसने पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी जी उसकी। सर, एक सर टीवी देखते हुए और फिल्में देखते हुए उसको आपने कब देखा? सर उसके माता पिता ने बताया था मुझे। उसके माता पिता ने जी सर, बताया, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा। अंतरंग खेल क्या होता है ये?
अंतरंग खेल सर घर के अंदर। अच्छा, वीडियो गेम खेलना। जी सर। और बहिरंग खेल क्या होता है? सर बाहर खेलना। इन दोनों में से कब आपने उसको देखा था? जी सर मैंने नहीं देखा बोल के आपने माता। नहीं जी देखा। सर। रिपोर्ट क्यों बनाई? सर माता पिता ने बताया था कि। माता पिता ने जी सर। बताया। पुस्तकें पढ़ना, आज की डेट में तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता, पढ़ाई करता था सर। बहुत पढ़ता है। पढ़ाई करता था सर अच्छा, स्टूडेंट पढ़ते हुए आपने देखा? मैंने नहीं देखा। थोड़ा मजा नहीं आ रहा आपके उत्तरों से। जी सर। बालक की शिक्षा का ब्यौरा, 13 नंबर पे लिखा आपने, जी सर। कक्षा 10 से अधिक पढ़ाई की, हाँ 10वीं पास। 10वीं पास थी। जी मार्कशीट वगैरह देखी थी क्या? सर नहीं देख। नहीं देखी। लास्ट जो स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था कि सरकारी स्कूल था? नहीं सॉरी सर मैंने मार्कशीट देखी थी देखी थी। इसीलिए प्राइवेट ले किया था। प्राइवेट स्कूल जी सर। जी था। जी सर। इंग्लिश मीडियम था कि हिंदी मीडियम था? सर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम था। उसके मित्रों से मिले या नहीं मिले? सर उसके दोस्तों से मुलाकात हुई थी आपकी? तो नहीं सर आपने तो सबको शिक्षित बताया है। शिक्षित सर वो पढ़ता था इसलिए शिक्षित बताया। नहीं, उसके मित्रों के बारे में आपने लिखा है। अधिकांश हाँ उस मित्र मिले थे आप? नहीं मिले थे सर लेकिन वो। थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाना चाहिए, तैयारी करके आ जाना चाहिए। जी जी रिपोर्ट सर। में क्या लिखा जी सर। आपने? जी आप तो इनसे सीनियर हैं, इनको समझाया नहीं कि गलत रिपोर्ट नहीं बनाना चाहिए? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी के ऊपर, पर जी ये अपेरेंटली जी दिख रहा है कि आपने कहीं एक जगह पे बैठ के एयर कंडीशन रूम में रिपोर्ट बना दी है। अगर हम फाइंडिंग दे देंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सॉरी सर। इनको तो नौकरी से निकाला जाना चाहिए। आपने तैयार की रिपोर्ट और इनने बिना देखे साइन कर दिए, तो इनसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार तो कोई है ही नहीं। इनने साइन किए थे तो इनको वेरीफाई करना चाहिए था। आपने वेरीफाई किया था? नहीं देखा सर मैंने नहीं देखा। हाँ, देखा नहीं तो सर साइन कर दीजिए। सिर्फ साइन कर दिया। तो ऐसी विवेचनाएं कितनी की जिसमें आपने 302 में, 376 में साइन भर किए? नहीं साहब ऐसी विवेचना मैंने स्वयं अपनी करी है साहब दूसरे की साइन नहीं की है साहब मैंने। नहीं कभी नहीं की। तो ये दूसरे की पहला पहली और अंतिम कृत्य था आपका? गलती है साहब। पहली गलती है। जी सर। और पहले में ही ब्लंडर मिस्टेक कर दी। ब्लंडर समझते हैं ना, भयानक मिस्टेक कर दी आपने। अब बताइए, एक बच्चे का भविष्य है, उसकी जमानत पे हमको विचार करना है। उसने 4 बार गोली चला के मर्डर किया है, तो हम आप दोनों के ऊपर भरोसा करके उसको छोड़ दें? उसको छोड़ देते, आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख देते हैं, क्योंकि हम तो आपके प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे ही चलते हैं ना। हमारे पास तो आप आए तो हमने आपको जांच लिया। आपके पास तो बच्चा बार बार आ रहा था, आपने जांच करने की कोशिश ही नहीं की। थोड़ा तो जिम्मेदारी समझिए। आपको आपका पदनाम नहीं मालूम? इस एक्ट में जब आप ये कार्रवाई करते हैं तो आपका पदनाम क्या होगा मालूम है? या आप भी तब भी थानेदार बने रहते हैं या सब इंस्पेक्टर बने रहते हैं? आश्चर्य की बात है, आपके एसपी कौन है? सर श्री अमित सांगी जी। अमित सांघी माने ग्वालियर के ही आप लोग? जी सर। तो हेडक्वार्टर पे पोस्टिंग कैसे मिल जाती है? नहीं सर मैं ग्वालियर का नहीं हूँ आप कहाँ के हैं? सर। मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट भिंड लगता है। भिंड के हैं। भिंड में पोस्टिंग है आपकी? नहीं ग्वालियर पोस्टिंग है मतलब होम डिस्ट्रिक्ट भिंड है सर। अच्छा, नहीं हम होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहे हाँ आपके। तो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सर यही। ये पूरा एरिया एक सा हमको मालूम है, जी सब तरफ से जो भी आते हैं विद्वान ही रहते हैं। आप थोड़े ज़्यादा हैं, जितने भी पुलिस वाले आज तक में मिले सब इसी तरह के मिलते हैं। इस पर एक्शन लें या आप करेक्ट रिपोर्ट बना के हमको परसों तक में देंगे? जी सर परसों सबमिट कर दें। ये हम अभी आज रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं। जी सर। परसों अगर रिपोर्ट फर्जी आई तो जी सर। हम सब रिकॉर्ड पे लेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी सर। जी और शर्म की बात है, आपको आपका पदनाम नहीं मालूम है और आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में काम कर रहे हैं। आपके एसपी साहब को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को पदस्थापना ना दें। इनको ये भी सेंस नहीं है कि किस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि एक ने रिपोर्ट तैयार की और दूसरा साइन कर दे। परसों एसपी साहब को बुलवा लेते हैं। नहीं सर मैं रिपोर्ट लेके आ जाऊंगा। तो एसपी साहब,
तुम लोग आप लोग की रिपोर्ट पे साइन करते होंगे बराबर, आप लोग बना के दे देते होंगे, तो एसपी साहब साइन करते कि नहीं करते? भाई आपके यहाँ तो परंपरा है, एक बनाता है दूसरे साइन कर देता है, जैसे जैसे सीनियर हो जाता है। कौन सीनियर है आप दोनों में? आप है ना, मैं तो आप बनाएंगे तो एसपी साहब साइन करेंगे, करना चाहिए उनको। भाई आपकी नौकरी कितने साल की हुई? 30 साल हुए? 40 साल की है सर। 40 साल, तब तो आपको एसपी साहब को पूरी तरह से मानना चाहिए। एसपी साहब को आपको फुल्ली फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आप इतने सहृदय, सहृदय समझते ना, अच्छे व्यक्ति हैं। आपके साथ ही अगर चलेगा, शादी आदि थी क्या आपकी? जी सर। आपकी शादी थी? नहीं, शादी तो कहाँ, कौन से अचानक काम में चले आ गया था जिसमें चले गए थे? सर कोई झगड़ा हो गया था अर्जेंट, तो चले गए थे। झगड़ा हो गया था, उसकी रिपोर्ट हुई थी? नहीं, रिपोर्ट नहीं। तो इतना बड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ होगा कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाई? आप ही जाते हैं तब संभलता है झगड़ा? नहीं सर, बीट वाइज रहता है सर। बीट वाइज रहता है। तो रोज राम से साने में कुछ रिपोर्ट डाली थी? नहीं डाली। नहीं डाली, फिर क्यों गए थे? भाई आप थाना छोड़ते हो तो साने में रिपोर्ट डालना चाहिए कि हम थाना छोड़ के जा रहे हैं। एक काम और कर लीजिएगा, परसों जब आएंगे ना, तो ये जब प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में आपने रिपोर्ट तैयार करने गए और आप जब साइन करने गए, दोनों के साने की नकल ले आइएगा और ओरिजिनल साना भी ले आइएगा। समझ में आ रहा है ना? हम ओरिजिनल साना आपको साइन करके वापस कर देंगे, कॉपी इसमें लगाएंगे कि आप कब गए थे एज प्रोबेशन ऑफिसर, कब आपने उससे क्वेरीज की, जांच की और फिर रिपोर्ट तैयार। ठीक, क्या क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? धर्मेंद्र सिंह यादव। धर्मेंद्र सिंह यादव। और आप? मोहन सिंह यादव सर। मोहन सिंह यादव। तो आपने बहुत अच्छे से धर्म निभाया है अपनी नौकरी का, हमको बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के कामों से। परसों और अच्छे से करके लाइएगा, है ना? परसों अगर मिस्टेक रिपीट हुई तो हम एक्शन लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप परंपरा का निर्वाह करेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा। हम लोग की तो ड्यूटी है कि कोई गलत करे तो सजा करना चाहिए, ठीक है ना? इनसे थोड़ा हम जूनियर पर आपसे सीनियर, समझ में आ गया? नौकरी के ड्यूरेशन के हिसाब से इनसे हम जूनियर हैं और आपसे सीनियर। हम चाहेंगे दोनों मिल के दिमाग लगाएंगे, कहीं फॉल्ट नहीं करेंगे। बहुत भयानक मिस्टेक किया आपने जी, और इसका परिणाम भी बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को फॉलो किया है आंख बंद करके। वो ये नहीं जानते कि भारत में ऐसे पुलिस वाले हैं जहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके भरोसे अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चलाएंगे तो मालूम नहीं कहाँ जस्टिस होगा, कहाँ इनजस्टिस होगा, हम नहीं कह सकते। आपकी रिपोर्ट के आधार पर हम अगर आज कुछ कंसिडर करते तो हमारा ऑर्डर 100% इनकरेक्ट होता। आया समझ में? जी। तो ये एक वार्निंग है आप दोनों के लिए। जी। रिकॉर्ड पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी नौकरी नहीं है और आप रिटायर होने वाले हैं, पर ये होना नहीं चाहिए। परसों आपको रिपोर्ट करेक्ट चाहिए, इनके साइन करा लीजिए। परसों आप फिर 10:15 पे आ जाइएगा, सब रिकॉर्ड लेके आएंगे और फ्रेश रिपोर्ट बना के लाएंगे।